फ्रेंड्स, और यहाँ पे मेरी सुबह का काम स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे मैं बच्चों की टिफ़िन की तैयारियाँ कर रही हूँ, सो उसी के लिए मैं यहाँ पे चॉपिंग कर रही हूँ। और आज मैं बच्चों के टिफ़िन में देने वाली हूँ बहुत ही हेल्दी सा टिफ़िन, सो चलिए देखते हैं उसकी रेसिपी। तो मेरी चॉपिंग वगैरह हो गई और यहाँ पर मैं कप से मेज़र करके एक कप मैं दलिया ले रही हूँ, जो कि आज मैं बच्चों के टिफ़िन में बना के देने वाली हूँ। और बहुत इंटरेस्टिंग सा रेसिपी है, सो प्लीज़ पूरा देखिएगा आप लोग। और यहाँ पे मैंने गैस पे रख दिया है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर मैंने डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल, एक हरी मिर्च मैं डाल दे रही हूँ, और फिर ये चॉप किया हुआ अनियन यानी प्याज। और इसे थोड़ी देर तक मैं सौते कर लूँगी। जब मैं प्याज को थोड़ी देर सौते कर लूँगी, फिर मैं उसमें डाल दे रही हूँ ये कटी हुई गाजर, और इसे भी थोड़ी देर सौते कर लेना है। ऊपर से फिर मैं डाल दूँगी इसमें कटी हुई टमाटर, जो कि मैं कट करके रखी हूँ। सो इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी डाल दे रही हूँ और थोड़ा सा गरम मसाला, बाकी इसमें मैं कोई भी मसाले नहीं यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ देखिए मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिया, और इसी के साथ मैं इसमें डाल दूँगी नमक, ताकि सब्जियाँ भी थोड़ी गल जाए अच्छे से। सो इसमें नमक डाल दूँगी और फिर इसे अच्छे से मिक्स करके हमें थोड़ी देर तक पका लेना है। जैसे ही थोड़ी देर ये पक जाएगा, फिर मैं इसमें दलिया जो है ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने नमक भी डाल दिया। नमक डालने से सब्जियों में पहले ना सब्जियां थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं और पक भी जाती हैं जल्दी, इस वजह से नमक मैं थोड़ा सा पहले डाल देती हूँ। और यहाँ मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैं इसमें थोड़ा सा और नमक मैंने डाल दिया है। और दलिया मैं धो के रख ली हूँ। तो यहाँ पे मेरी धुली हुई दलिया है, जो कि मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और दलिया में हमें बस पानी अपने अकॉर्डिंग लेना है, कितना दलिया में जाएगा। जितना हम लोग लेते हैं उसका डबल पानी ले सकते हैं, डबल से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि दलिया में थोड़ा सा ज़्यादा बेसन लगाना होता है। और ये मेरे ऑर्गेनिक दलिया है, सो इसमें मैं 2 कप पानी डाल रही हूँ, क्योंकि 1 कप मैंने लिया था इसमें दलिया, तो 2 कप मैं पानी डाल रही हूँ। और ये सीजर से कट करके मैं इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दे रही हूँ, और फिर इसे मिला के और फिर मैं लिड को बंद कर दूँगी, और 4 व्हिसल आने तक मुझे इसे दलिया को पका लेना है। तो यहाँ हो गया बच्चों का ये टिफ़िन की तैयारी। तो यहाँ पर मैं श्रेयांश को मिल्क दे दे रही हूँ, आज वो नाश्ता नहीं कर रहा है, तो मैं उसे मिल्क दे दे रही हूँ। और सुगु आज ब्रेकफास्ट वो दलिया ही करेगी। सो यहाँ पे देखिए बच्चों का जो दलिया है वो रेडी हो गया है। और बच्चों को छोड़ के आने के बाद मैं यहाँ डायरेक्ट आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। मुझे हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी जस्ट मैं चाय लेके आ गई हूँ और बच्चे चले गए स्कूल। कल रात में क्या हुआ था, शिवांगी के कान में दर्द हो गया था, तो बहुत लेट नाइट तक जगना हो गया। वो रो रही थी, मैं गोद में लेके बैठी रही, दवा दिए हम लोग। फिर बहुत टाइम बाद जाके जब उसका कान का दर्द थोड़ा सही हुआ, तो वो सोई, और उसके बाद फिर मैं सोई, तो सुबह में जगने में लेट हो गया। एंड जल्दी जल्दी कर करके उन लोग को वो वैन आ गई थी, उसके बाद फिर हम लोग ले गए और काफ़ी जल्दी जल्दी रह गया। बाकी अभी सारा घर पूरा रूम वगैरह मैसी है, तो वो मैं अभी धीरे धीरे सब क्लीन करूँगी, डस्टिंग भी करूँगी। तो पहले मैं चाय पी लेती हूँ एंड देन मैं उसे मैं करूँगी। सो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। सो अभी यहाँ पे मैं डस्टिंग वगैरह कर ले रही हूँ, और क्योंकि काम वाली आंटी का भी टाइम हो जाता है आने के लिए, सो वो भी आ जाती हैं इसी टाइम पे। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत जो काम निपटाना है ये सब मैं निपटा ले रही हूँ डस्टिंग वगैरह का। उसके बाद फिर मेरा किचन में जाना होता है पतिदेव के टिफ़िन वगैरह की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए आंटी भी आ गई हैं, और मैं डस्टिंग मेरा ऑलमोस्ट हो ही गया है। सो हेलो फ्रेंड्स, और अभी आ गई हूँ मैं लंच की तैयारी करने के लिए। ब्रेकफास्ट भी अभी हम लोग के लिए बनानी बाकी है, तो मैं थोड़ा बहुत लंच का भी तैयारी कर लेती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट करूँगी। तो ये कल रात में मैं राजमा भिगो के रखी थी, तो अब मैं इसे बॉईल करने के लिए रख देती हूँ, और उसके बाद मैं देखती हूँ ब्रेकफास्ट में मैं कुछ हम लोग के लिए बनाऊँगी। बच्चों को तो दलिया बना के दी हूँ, तो थोड़ी सी है उसमें से, बट और भी कुछ बनाना है। तो अभी मैंने यहाँ पे गैस पे कढ़ाई रख दिया है राजमा बनाने के लिए, और उसमें डाल दिया मैंने मस्टर्ड ऑयल। तड़के मैं डाल रही हूँ जीरा, थोड़ा सा दालचीनी, इलायची, मतलब जो भी मेरे पास खरे गर्म मसाले मैं वो सारे डाल दे रही हूँ, तेज पत्ता।
और फिर जो मैं प्याज कट करके रखी थी थोड़ा सा, उसे मैं तड़के में डाल दे रही हूँ। और फिर मैं इसमें डाल दे रही हूँ ये पेस्ट टमाटर की, और टमाटर अदरक लहसुन का जो मैं पेस्ट बना के रखी हूँ वो मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और फिर इसे अच्छे से हम लोग को पका लेना है, और इसके बाद फिर मैं थोड़ा सा जैसे ये भून जाएगा ना, उसके बाद फिर मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। तो अभी मैं इसमें डाल दे रही हूँ मसाले, तो अभी धनिया पाउडर मैंने डाल दिया, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, और फिर मैं इसमें डाल दे रही हूँ हल्दी पाउडर, और फिर इसी के साथ मैं थोड़ा सा गर्म मसाला भी साथ ही साथ डाल दे रही हूँ। और फिर इन सारे मसालों को हमें अच्छे से पका लेना है। और मैं आप लोग को बताऊंगी कि मेरे से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। मैं कुछ बात कर रही थी किसी काम के चक्कर में और मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया था, तो वो मैं करेक्ट करूंगी, आप लोग को आगे दिखाऊंगी। तो एक साइड मैं बिना प्याज वाली सब्ज़ी बना रही हूँ, दूसरी साइड मैं प्याज वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। तो देखिए ये जो मसाला है मेरा भून गया, तो इसे मैं प्लेट में निकाल दे रही हूँ। और मैं ना प्याज का भी पेस्ट तैयार करके रखी थी, लेकिन मैं प्याज का डालने के बाद तड़का मैं ये पेस्ट डालना भूल गई थी। तो फिर मैं इसे मसाले को जो है बाहर निकाल ली हूँ, और उसके बाद फिर मैं उसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल के मैं प्याज भून रही हूँ। और ये बिना प्याज वाली सब्ज़ी है, तो ये मसाला भून गया है, तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ राजमा, और फिर इसमें थोड़ा सा मैं ग्रेवी डाल के और बॉईल करके पका लूँगी। तो देखिए यहाँ पे प्याज का जो पेस्ट है भून गया है, तो फिर ऊपर से मैं जो सारे मसाले भून करके रखी थी ना वो मैं डालती हूँ, और फिर मैं इसमें ऊपर से थोड़ा सा और डाल दे रही हूँ नमक, और फिर इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर तक और मैं इसे पका लूँगी, भून लूँगी। जैसे कि प्याज की जो पेस्ट थी और जो मैं मसाला भून के रखी थी सबको एक साथ थोड़ी देर भूनने के बाद, फिर मैं ये बॉईल किया हुआ राजमा डाल दे रही हूँ, और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फिर मैं इसमें क्योंकि मुझे ग्रेवी वाली बनानी है, थोड़ी राजमा में तो थोड़ी ग्रेवी चाहिए ही होता है, तो मैं ऊपर से और इसमें पानी ऐड करूँगी। तो इसमें मैंने पानी डाल दिया है, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हमें इसमें पानी डाल देना है। और ऊपर से मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दे रही हूँ, और उसके बाद ढक के इसे बॉयल आने तक हमें पका लेना है। और उसके बाद जो है ये मेरी राजमा रेडी हो जाएगा। तो राजमा बनाने के बाद फिर मैं कि तो रोटी सेक ले रही हूँ, तो राजमा और रोटी नाश्ते पर हम लोग ले लेंगे। बाकी लंच के लिए मैं चावल बनाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड को भी ऑफिस जानी है दूसरे ऑफिस में, क्योंकि उनका मीटिंग वगैरह है, और आने के बाद फिर वो लंच करके फिर वो या तो घर से काम करेंगे या फिर वो ऑफिस के लिए जाएंगे, क्योंकि फिर एक और ऑफिस में शाम के टाइम पे उनका मीटिंग है, तो बहुत ज़्यादा ही हैक्टिक हो जाएगा आना जाना। तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर बस मैं रोटियाँ सेक ले रही हूँ। तो यहाँ पे रोटियाँ तो मेरी सिक गई हैं, तो अभी ना ये जो मेरा बर्तन वाला बास्केट है तो थोड़ा सा गंदा सा हो गया था, तो मुझे इसका मुझे ये वॉश करना है। तो इसमें का मैं सारा बर्तन जो है निकाल ले रही हूँ, और ये बास्केट को मैं वॉश करूँगी। सो ये मैं सोच रही थी कि आज कर लूँ कल कर लूँ, लेकिन जब दिमाग में आ जाए कि नहीं अभी करना है, तो बस वही मैं कर ले रही हूँ, क्योंकि बर्तन धुलता जाता है इसमें रखता जाता है, तो फिर ये मैं रोज़ क्लीन नहीं कर पाती हूँ, तो कुछ टाइम पे मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ बास्केट जो है धुल गया है, तो सारे बर्तन मैं इसमें डाल दूँगी, और उसके साथ ही साथ जिधर मैं बास्केट रखती हूँ वो भी साफ़ कर ले रही हूँ। वो तो मैं हमेशा ही साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन अभी मैंने पूरा हटाया था, तो मैं थोड़ा सा सोची कि अच्छे से और वॉश कर लेती हूँ उधर का एरिया। हेलो फ्रेंड्स, और अभी मैंने चावल बनने के रख दी हूँ, क्योंकि पतिदेव को आना है आज लंच करने के लिए, तो क्योंकि आज दूसरे ऑफिस में गए वो, फिर लंच करके वो अपने ऑफिस जाएंगे। सो मेरा जो है अदरक और लहसुन का पेस्ट ख़त्म हो गया, तो मुझे वो भी बनाना है, तो मैं बस ये लहसुन की पोटली निकाल ली हूँ और अदरक वगैरह सब कुछ धुल के, और फिर मैं पेस्ट तैयार करूँगी। और आज मुझे घी भी निकालना है,
तो आज मैं काफ़ी टाइम बाद घी निकालने वाली हूँ, क्योंकि मैं इधर मलाई कलेक्ट ही नहीं कर रही थी, सब यूज़ कर दे रही थी, लेकिन अभी मैं आज मैं कुछ मलाई हो गई है मेरी कलेक्ट हो गई है, एक बाउल हो गई है, मैं सोच रही हूँ आज उसका घी भी निकाल लूँगी। तो चलिए मैं ये सब तैयार कर लूँ, फिर पति देव आते हैं तो फिर उन्हें लंच वगैरह। तो अभी यहाँ पे मैं लहसुन की पोटली लेके आ गई हूँ और लहसुन को निकाल के मैं बाउल में डाल दे रही हूँ और पानी भर के ना मैं इसे थोड़ी देर तक रख दूँगी ताकि इसके जो छिलके ना फूल जाएँ। तो मैं इसे अच्छे से रगड़ रगड़ के और छिलकों को निकाल दूँगी, तो इससे आसानी हो जाती है छिलके निकालने में अगर एक घंटा छोड़ दो आप तो। और यहाँ देखिए पतिदेव आ गए ऑफिस से अपने। वेलकम वेलकम। अच्छा ये मार्केट से लेके आए मटर, और देखिए सीजनल मटर भी आ गया, और यहाँ ऑरेंज भी आ गया। देखिए मार्केट जाने का फायदा होता है ना, और मार्केट आप जाते ही नहीं है। देखो ना कैसा है, अच्छा है नहीं वो मटर। हाँ ऑरेंज भी अच्छा है, छोटा छोटा है, ठीक है, पत्ता लगा हुआ है, खाइए एक ठो, आपको सर्दी नहीं है ना, खाइए, सही है। मार्केट जाया कीजिए यार, हर चीज़ मेरे घर में ऑनलाइन आता है, मार्केट जाते ही नहीं है। सो यहाँ पे मैं मलाई लेके आ गई हूँ, तो देखिए यहाँ पे एक बाउल पूरा मलाई हो गया है, तो अभी मैं इसका निकाल दूँगी बटर, तो इसे मैं कंटेनर में डाल दे रही हूँ और जस्ट अभी अभी फ्रिज से लेके आई हूँ तो काफ़ी ठंडा ठंडा है। और जैसे ही पूरा मलाई इसमें मैं डाल दूँगी और हल्का सा पानी इसमें डाल के, और फिर हमें इसे स्पीड वन पे इसे ग्राइंड करना होता है और धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम लेता है, और उसके बाद बहुत अच्छा सा इसमें से मक्खन निकल जाता है घी बनाने के लिए। और अभी विंटर के सीज़न पे ना, विंटर के सीज़न पे ऐसे भी आप फ्रिज में रख दो तो मलाई अच्छी खासी निकल आती है, तो जो भी हो रात में आप फ्रिज में रख दो दूध तो बहुत अच्छी मलाई बन जाती है। और यहाँ पे देखिए जो मैं लहसुन निकाल के रखी थी उसका भी साथ ही साथ मैं पेस्ट बना ले रही हूँ, तो ये दोनों काम मेरे ना साथ साथ में ख़त्म हो जाएगा। तो दोनों को बस जो लहसुन का पेस्ट है उसे मैं एक टिफ़िन में रख के और रख दूँगी फ्रिज में। और यहाँ देखिए हमारा बटर भी निकल गया है, तो यहाँ पे देखिए अच्छा खासा बटर निकल गया, पूरा एक बॉल का जो था वो मलाई था। तो इसे बस मैं इसमें का बटर निकालने के बाद इसे गैस पे रख दूँगी मेल्ट करने के लिए। अभी फीवर आपका ठीक है? सुबह को स्कूल से आने के बाद फिर फीवर हो गया था, फिर दवा ववा दिलाया, नाउ सी इज ओके, बट ज़्यादा मस्ती नहीं, ठीक है बैठो मैं कुछ बनाती हूँ फिर खाने के लिए देती हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि पतिदेव भी मतलब शाम के टाइम पे घर पे हैं तो कुछ इवनिंग स्नैक्स बना लूँ, तो मैं यहाँ पे मैं मूंगफली के दाने थोड़ा सा ऑयल डाल के मैं इसे रोस्ट कर ले रही हूँ, और रोस्ट हो गया है तो अभी इसे मैं प्लेट में निकाल ले रही हूँ। और थोड़ा सा मैं चूड़ा फ्राई करने वाली हूँ ऑयल में, तो यहाँ पे इसी ऑयल में मैं थोड़ा सा ना चना ले ली हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, मैं बस ट्राई कर रही थी कैसा हो रहा है क्योंकि मम्मी को मैंने देखा था ऐसे करते हुए। तो इसे मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के धो के, पानी डाल के और हल्का सा नमक डाल के, पानी मैं इसमें से निकाल ली थी, नमक डाल के और इस तरीके से मैंने इसे ऑयल में तल लिया है। और देखिए बहुत ही अच्छा से ये चना जो है हमारा तैयार हो गया है, और इस तरीके से मैं चूड़ा को मैं ऑयल में फ्राई कर ले रही हूँ, और ये बहुत ही अच्छा मतलब एक स्नैक्स तैयार हो जाएगा। मैं इस तरीके से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था क्योंकि ये जो मेरा स्ट्रेनर था ना थोड़ा सा बड़ा था, तो मैं एक बार वैसे की बाकी मैं पूरा ऐसे चूड़ा को मैं इस तरीके से ऑयल में डाल के और इसी तरीके से फ्राई कर ली, और ऐसे करके मैं बस थोड़ा सा निकाल रही थी। हाँ ये है थोड़ा ऑयल जो है ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा था इस तरीके से, और इस तरीके से मैं इसमें मूंगफली चना और चूड़ा इसे मिक्स कर दूंगी, और ऊपर से मैं इसमें स्प्रिंकल कर दूंगी ब्लैक सॉल्ट मतलब काला नमक, और इसे मिक्स करके मैं बच्चों को भी दे दूंगी और सारे लोगों को। तो ये एक अच्छा सा इवनिंग स्नैक्स जो है हमारा तैयार हो गया है। तो वही मटर वगैरह का भी सीज़न आ गया है, तो मटर तो था लेकिन मैंने सोचा कि नहीं मटर का मैं कुछ और डिश बनाऊंगी, तो यहाँ पे देखिए मैंने सबको दे दिया है और सब लोग बस खाने में लग गए हैं। एंड आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। सो
सो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और प्लीज़